हे एवरी वन वेलकम टू आर चैनल यूनिवर्सल लॉज जैसा कि आप जानते हैं कि एम पी जुडिशरी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है एंड होपफुली द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन मार्च सो स्टूडेंट्स आप इस को एक प्रॉपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें एंड अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर मैनर में चैनलाइज करें अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी एराइज़ होती है आपको नहीं समझ आ रहा कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें कैसे स्टार्ट करें तो हमारे चैनल पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप लॉ को एज़ वेल एज़ जो कंप्यूटर एंड जीके वाला पोर्शन है दैट इज़ जो वो फोर्टी मार्क्स हैं उसके जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उन सभी को हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि किस सब्जेक्ट को आपको किस तरह से पढ़ना है एंड क्या एक प्रोडक्टिव मैनर होना चाहिए सो so, अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आज के इस वीडियो में अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं देखिए काफी स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम फुल फॉर्म की वीडियो क्यों देखें हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे जल्दी से जाते हैं टेलीग्राम पर और पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं या फिर हम नेट से कुछ भी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं और वहाँ से पढ़ लेते हैं बट देखिए जब आप किसी भी चीज़ को सुन करके समझते हैं बार बार अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ आपको और भी जल्दी याद हो जाती है या फिर इस वीडियो को देखते समय जब आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे जो भी फुल फॉर्म में बता रही हूँ उसको अगर आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे साथ साथ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिख कर के चीज़ें जल्दी याद होती हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुन कर के जल्दी याद होती है तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है एंड बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को लिखा हुआ है टोटल ट्वेंटी फाइव फुल फॉर्म्स हैं जिसको आज हम आज समझेंगे एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं जो कि कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं ओके सो फर्स्ट वन इज़ ई एन आई ए से दैट इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर सेकेंड ई मेल ई मेल देखिए बहुत ईजी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल ये तो काफ़ी स्टूडेंट्स uh, समझते हैं पढ़ uh, मतलब सब जानते हैं इसके बारे में ए एस सी आई आई दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नेक्स्ट कोबोल दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जी आई एफ दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बी आई ओ एस दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम video that is visual display unit led that is light emitting diode next lcd that is liquid crystal display usb that is universal serial bus hll that is high level language mips millions of instructions पर सेकेंड दिस इज इम्पॉर्टेंट काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछी गई है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है एम बी पी एस दैट इज मेगा बाइट्स पर सेकेंड देखिए काफ़ी आपने जाना पहचाना टर्म है कि जब अगर हम नेट की स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इतने एम बी पी एस स्पीड आ रही है हमारे इंटरनेट की तो दैट इज मेगा बाइट्स पर सेकेंड नेक्स्ट एन टी एफ दैट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम dns that is domain name system dns is also related to internet next dmca that is digital millennium copyright act ivp internet protocol version voip voice over internet protocol seo that is search engine optimization and next is windows windows is also important काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि विंडोज uh, का भी फुल फॉर्म है दैट इज वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस नेक्स्ट इज ए एम डी दैट इज एडवांस माइक्रो डिवाइस ए एस आई सी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट नेक्स्ट ई प्रोम दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी देखिए रैम एंड रोम बहुत इजी है आपको पहले सिर्फ रोम की अगर फुल फॉर्म पता है तो रोम इज रीड ओनली मेमोरी एंड जो यहाँ पर रोम से पहले ई एंड पी लिखा है सो दैट इज ई फॉर इरेजेबल एंड पी फॉर प्रोग्रामेबल इस तरह से भी देखिए आप जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो वहाँ पर भी कोड आउट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज एफ पी एस इज फ्रेम पर सेकेंड एस एम टी पी दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो दिस इज ऑल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है सो यू कैन सब्सक्राइब आर चैनल फॉर मोर सर्च एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पी डी एफ चाहिए सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप एंड प्लस हमारे चैनल पर वेरियस वीडियोज अवेलेबल हैं वी आर स्टडिंग एम पी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट देखिए एम पी एकोमोडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि आपका टोटल फाइव मार्क्स कवर कर रहा है इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एंड देखिए आप काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं सिर्फ फाइव मार्क्स लेकिन जो ये फाइव मार्क्स हैं ऑफ एमपी लोकल ये ऐसा है सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकदम नया होता है सो so आप पहले से ही इस एक्ट को पढ़ के रखें ताकि आपका प्रॉपर कमांड हो ओवर द सब्जेक्ट सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया सो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड दिस वॉज पार्ट वन नेक्स्ट अपने पार्ट में हम और भी ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे